नमस्कार। तो चलिए आज हम बनाते हैं सफ़र के लिए, रास्ते के लिए, ट्रिप के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है और घर में भी बना के आप इसको रख सकते हैं, कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और इसमें डाल देंगे हम जीरा और कुछ कटी हुई मिर्ची। मिर्ची आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये चटक चुका है, अब डाल देंगे हम 1/2 किलो मूँगफली। मूँगफली कच्ची वाली है और इसको लाल होने तक धीमे गैस में भून लेंगे। तो चलिए इसको धीमे गैस में चटक जाने देते हैं, मूंगफली को करारी होने तक अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए मूंगफली बहुत अच्छी से भून चुकी है, लाल हो चुकी है, बिल्कुल चटक गई है। ये जो बना रहे हैं नमकीन हम सफ़र के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बाहर का ज़्यादा खाने से अच्छा कि आप घर में बना लें। यहाँ पे डाल दिया है मैंने चना भुना हुआ। चना की क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं ले रखा था, 100 ग्राम तक चना था। और चना बाद में डालना है क्योंकि मूंगफली कच्ची थी और चना भुना हुआ था। तो 2 मिनट तक इसको और रोस्ट कर लेंगे जिससे कि सारा जो इसमें जीरे का फ्लेवर है, मिर्ची का, वो चना के अंदर भी आ जाए। तो चना भी भुन चुका है, डाल देंगे ज़रा से हल्दी। आप लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को तीखा नहीं पसंद तो मैंने कम ही डाला हुआ है। हल्दी डाल दिया है, अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक का प्रयोग कम करेंगे क्योंकि लाई में, मुरमुरे में पहले ही नमक रहते हैं। हमने डाला है 1/2 टेबल स्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें ये सेट हो जाए। तो ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हमने ये लाई ले रखी है मुरमुरे, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसको ऐड अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लंबी सफ़र के लिए काफ़ी अच्छा स्नैक्स है, आप लोग ऐसे बना करके लेकर जा सकते हैं, चाय के साथ भी, और चाय नहीं है तब भी आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे जिससे कि और ये कुरकुरी सी नमकीन रेडी हो जाए। तो ये देखिए 7-8 मिनट तक मैंने इसे स्लो फ्लेम में अच्छे से भून लिया है और ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुकी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो ये भील बनाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ ट्राई।